हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी पेट्रियल बेटा टैबलेट की। आज की वीडियो में ये टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, इसके फ़ायदे, नुकसान, इसको लेने के तरीके के बारे में, इसका क्या प्राइस है और कहाँ मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं ये टैबलेट का प्राइस के बारे में। तो ये किस स्ट्रिप में आता है 10 टैबलेट, और इसका जो प्राइस है 76 रुपये प्लीज है। ये आपको डिस्काउंट थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है। और इसको मैन्युफैक्चर करता है माइक्रो लैब्स लिमिटेड। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाता है। तो ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। जिसका यूज बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होने से ली जाती है। अगर आपको घबराहट होती हो, बेचैनी हो रही हो, नकारात्मक विचार आता हो, चिंता और डर का आभास होता हो, अचानक हाथ कांपना, पसीना आना, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम होने से ये दवा को ली जाती है। इसका यूज डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी होती है। ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी। बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इस टैबलेट में दो दवा का मिश्रण पाया जाता है। एक है क्लोनेजेपम एंड दूसरा है प्रोपेनॉल। क्लोनेजेपम एक बेजो डाइजेपाइन है जो गाबा नामक केमिकल मैसेंजर के क्रिया को बढ़ाता है जो ब्रेन में तांत्रिक कोशिकाओं को असामान्य गतिविधि को दबाता है। प्रोपेनॉल एक बीटा ब्लॉकर है जो हृदय एंड रक्त वाहिका को कुछ से केमिकल मैसेंजर को एक्शन को रोकता है और दिल की गति, ब्लड प्रेशर और हृदय में होने वाले दबाव को कम करता है। बात करें इसकी डोज की, तो इसका डोज आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको हेल्थ इश्यू को देखकर। नॉर्मल डोज एक टैबलेट पर डे लेना होता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो अगर आप इसे ओवर डोज लेते हो तो आपके याददाश्त से कमजोर हो सकता है, उलझन सी महसूस हो सकती है, थकान, कमजोरी हो सकती है, नींद ना आना, खराब खराब सपने आना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।